एक्साइटेड हैं क्योंकि अच्छा रिएक्शन मिल रहा है और मीडिया का भी अच्छा रिएक्शन था, लोग हंस रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. जी बहुत नर्वस हूँ, आई कांट स्टॉप स्माइलिंग, आई जस्ट फील लाइक जंपिंग ऑल द टाइम, इतनी ज़्यादा नर्वस एनर्जी है. रिएक्शन वॉज फैंटास्टिक, जहाँ दुबई में भी रिलीज हो गई है वहाँ से भी रिएक्शन इज नाइस. वी जस्ट थिंग दैट द ऑडियंसेज लव इट एज मच. अरे सो लेट्स नॉट जंप, खुशी होती है. अभी चलने दो इसको, इसकी बहुत खुशी है यार. मतलब बहुत अच्छा लगता है आपके काम को अप्रिसिएशन मिलती है एंड द प्रोड्यूसर्स आल्सो मेक सम मनी, द इंडस्ट्री गेट्स अप्रिसिएशन मनी. आई डोंट नो, अभी कुछ बोला नहीं जा रहा है यार. करते हैं, आई थिंक लेट्स होप फॉर द बेस्ट. शुभ मंगल, सावधान भी अच्छी जाए, जैसे बरेली और टॉयलेट गई है. थैंक यू गाइस. काफ़ी एक्साइटेड, एक अच्छे टॉपिक पे फिल्म बनी है और कुछ नया अनोखा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और आयुष्मान और भूमि दोनों की फैन हूँ. एक अलग सा कॉन्सेप्ट है मूवी का, जैसे कि देखा आपने, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट. और सिनेमा थोड़ा बदल रहा है तो इन चीज़ों की खुल के बात हो रही है, ये मुझे अच्छा लगा. शुभ मंगल सावधान में आप क्या कहेंगे कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने, शुभ ज़्यादा हो, मंगल ज़्यादा हो, सावधान, क्या आप कुछ बताइए? सावधान तो मैं रहती हूँ, मुझे लगता है शुभ और मंगल हो वही काफ़ी है. बड़ा मज़ा आएगा. आयुष्मान, भूमि, आनंद सर. ओके, मूवी का अगर बेस्ट पार्ट की बात करिए तो सबसे बेटर आपको क्या लगा? यार पूरी मूवी बहुत अच्छी है, आई थिंक आप देखो और आप डिसाइड करो. मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी. इट्स डैम फनी और एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक को बहुत ह्यूमर के साथ ट्रीट किया है, तो आप जरूर देखिएगा. थैंक यू. एब्सोल्युटली फैबुलस फिल्म, हर्ष हर्ष के मतलब पागल हो गए. और भूमि और आयुष्मान ने और सारी कास्ट ने इतना अच्छा काम किया. एंड आई बिलीव प्रसन्ना इज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर. सबको जाके ये फिल्म देखनी चाहिए. मैं कह रही हूँ ना, हंस हंस के हम लोग पागल हो गए, इससे ज़्यादा क्या कैसे, बहुत मज़ेदार है. सर आप बताइए कि कैसी लगी है? बहुत ही अच्छा लगा. आई थिंक आनंद राय, कृषिका लुल्ला, प्रसन्ना एंड ऑफ कोर्स द कास्ट, आयुष्मान एंड भूमि ने बहुत ही अच्छा काम किया. सो कंग्रेचुलेशंस. आई थिंक शुभ मंगल सावधान इज गोइंग टू बी अ ह्यूज हिट. विद्या जी आप कुछ कहना चाहेंगे, विश आपकी तरफ से? विश भाई पूरी टीम को शुभ मंगल सावधान के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. ऑल वेरी बेस्ट. आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छी चलेगी. थैंक यू. मुझे ये साल की सबसे बेस्ट फिल्म लगी है, क्लियरली, हैंड्स डाउन. आई थिंक इट्स एन आउटस्टैंडिंग फिल्म. परफॉर्मेंसेज आर वेरी वेरी गुड, द थॉट इज़ वेरी वेरी गुड, द मैसेज इज़ वेरी वेरी गुड, द राइटिंग इज़ वेरी वेरी गुड, द डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी गुड. इट्स अ सुपर्ब फिल्म. नहीं, मैसेज तो 100% पहुँचेगा, बट बहुत बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैसेज एंटरटेनिंग तरीके से होता है. इट्स अ वेरी वेरी गुड फिल्म. थैंक यू. अरे बहुत बड़ी हिट है ये फिल्म, बहुत मज़ा आ गया. आई थिंक आनंद राय, कलर येलो और एरोस की जो कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है कि बहुत लकी कॉम्बिनेशन है. बता नहीं पाऊँगा, एक तो बता दूँ कि इनकी बहुत लकी कॉम्बिनेशन है और ये बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इन्होंने. एक तमिल फिल्म की रीमेक है, बट उससे कई गुना अच्छी फिल्म है मुझे लगता है. और यहाँ तक आयुष्मान और भूमि का काम है फिनोमिनल. उनका ही नहीं, जितने भी कास्ट हैं जिन्होंने भी काम किया है, जितने माँ बाप हैं, जो दोस्त हैं, सब ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी. लेकिन आई थिंक यू कांट फॉरगेट भूमि एंड आयुष्मान, वो दोनों ही बहुत एक्सेप्शन रहे. आयुष्मान के डायलॉग डिलीवरी और भूमि के सारे आंखों और आंखें जो एक्सप्रेशन देती हैं, इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म. बहुत बड़ी है. हाँ, मुझे लगता है कि हर एक इंसान जो है अलग किस्म के मैसेज लेकर जाएगा इस फिल्म से. कोई ज़बरदस्त मैसेज देने वाली फिल्म है, लेकिन साथ में एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा है इसमें. अच्छी स्क्रिप्ट लेकर मैं लौटूंगा हमेशा. आई डू माई बेस्ट. थैंक यू. इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वी लाफ द गट्स ऑफ. बहुत अच्छी लगी पिक्चर, ऐसी पिक्चर. मैसेज हो या हो, आई मीन मुझे एंटरटेनमेंट इतना भरपूर लगा इस पिक्चर में कि पूछो मत. आई मीन हंस हंस के पेट डूब गया. एंड सेंसिटिव है, आज की जनरेशन की कहानी है और कहीं ना कहीं टच करता है. मतलब लगता है मर्द का दर्द समझ सकता हूँ मैं ऐसे पिक्चर में.
बहुत अच्छी पिक्चर फिल्म और बहुत ही प्यार से बनाई और ये चीज़ दिखती है कि कितने प्यार से मूवी बनाई है और मैं दिल्ली से हूँ तो ऐसा दिल्ली का टच और वो शादी ब्याह में जो प्रॉब्लम और ड्रामे तो काफ़ी रिलेटेबल लगा ये फिल्म कितनी काफ़ी एंटरटेनिंग थी काफ़ी फनी है द परफॉर्मेंसेज आर सो गुड आई थिंक एवरी वन शुड गो एंड वॉच इट इट्स क्वाइट रिलेटेबल और दिल्ली में जितने लोग हैं उनको तो देखनी चाहिए जाके हाँ इट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैसेज पहुँचेगा और आई एम सो हैप्पी कि इंडस्ट्री में और फिल्में ऐसी बन रही हैं जिससे सोशली लोग अवेयर एंड आई एम ग्लैड कि ऐसी मूवीज बन रही हैं थैंक यू